नहीं, बहुत खुशी की बात है। भाभी जी घर पर है, पिछले 9 सालों से राज कर रहा है और इस बार भी हमें बेस्ट कॉमिक एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और द बेस्ट शो इसके अवार्ड से नवाजा गया है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जब ये शो शुरू हुआ था तो हमने सोचा था कि शायद ऑडियंस इसको पता नहीं किस वे में ले, कि एक पड़ोसी दूसरे की पड़ोसी की बीवी से प्यार कर रहा है तो इसको शायद कोई बुरा ना मान जाए लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है ना, कभी नाराज़ हो गए, कभी कुछ हो गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तीन महीने का जिसे हम मान के चल रहे थे, आज वो 9 साल पूरे करने जा रहा है। मतलब कमाल की चीज़ है ये, और हम लोग 2000 से भी ऊपर एपिसोड कर चुके हैं, वो भी कॉमेडी के, तो थैंक्स टू द फैंस। बहुत मुश्किल है, हंसाना ही बहुत मुश्किल है, रुलाना उलाना तो बहुत हो रहा है, दिख भी रहा है, बट हंसाना तो बाप रे बहुत मुश्किल काम है। हम लोग बहुत ज़्यादा हॉरर कॉमेडीज़ पे अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं, और हॉरर कॉमेडीज़ भी बड़ी मज़ेदार वाली हॉरर कॉमेडीज़, मतलब ऐसी नहीं। हाँ देखिए, मैंने फिल्म तो नहीं देखी लेकिन चर्चा ज़रूर सुनी है, तो मैं देखना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि हम तो सिनेमा के स्टूडेंट्स हैं ना, बीइंग एन एक्टर हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमें देखना तो चाहिए, और देखूँगा कि आखिर ऐसा क्या कंटेंट है या उसकी मेकिंग, उसकी एक्टिंग, क्योंकि हर चीज़ से सीखने को बहुत मिलता है। आप इंडिविजुअली, हेलो, यस, वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश हैं, और ये तो प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए। 8 साल से लगातार भाभी जी शो जो है वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, हम लोगों को हंसा रहे हैं, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द ज्यूरी एंड ऑर्गेनाइजर्स।